नेक्स्ट है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जब मैक्सवेल काम कर रहा था कैपेसिटर की प्लेट्स में, तो उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कैपेसिटर की प्लेट में मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस पैदा हुए हुए मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है प्लस से माइनस, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये तो ईएमएफ की वैसे ही खास बात है, ई के परपेंडिकुलर ही बी जनरेट होगा। तो जैसे मान लो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में ये ब्लैक कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये ब्लैक कलर की जो क्रॉस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इसको छोड़ो बोर्ड के अंदर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इंक्रीज हो रहा है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड के अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के ऊपर होगा, बिकॉज बोथ आर एट एन एंगल ऑफ 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो आप अपनी राइट हैंड को ई के साथ ले जाएं, चार फिंगर जहां घूमेंगी वहीं आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये डायरेक्शन निकालने का तरीका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, बात खत्म। ये इसका रूल है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। वैसे क्वेश्चन आता नहीं पर फिर भी बता दिया, बुक में गिवन है तो मैंने बता दिया क्या होगा इसमें, ठीक है यहाँ तक। तो कैसे चेक करना है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है यहाँ तक।